तो हैविंग डस्क स्किन और मनाने जा रहे हैं हम वैलेंटाइन। अचानक से मेरे दिमाग में आया कि बहुत सारे लोगों की शादी हुई, मेरे फ्रेंड्स में बहुतों की शादी हुई अभी बहुत जल्दी, जिनका नया नया वैलेंटाइन है ये। तो हमारे यूपी बिहार में क्या होता है कि आप बहुत मॉडर्न ड्रेस पहन के बाहर नहीं जा सकते हैं, तो इंडियन आउटफिट में, साड़ी में स्पेशली वैलेंटाइन में कैसे तैयार होना है, मैं अभी आ रही हूँ। मैंने एक पहला वीडियो बनाया था इसलिए मेरे लिपस्टिक ऑन है और हल्का हल्का मस्कारा वगैरह, तो बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करना। बाकी मैंने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया था, हल्का सा थोड़ा सा पाउडर था और कुछ भी नहीं। तो हम स्टार्ट करेंगे इंडियन आउटफिट, यानी कि साड़ी में वैलेंटाइन के लिए कैसे तैयार होना है। तो सबसे लेट्स गेट पहले मैं यूज़ स्टार्टेड। करने जा रही हूँ प्राइमर। देखो बहुत सारे सब बेसिक्स ही हैं, तो मैं आपको सबसे पहले फेस वॉश कर लेना है। फेस वॉश के बाद आपको मॉइस्चराइज करना है अच्छे से। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो शूट किया है तो वो सारी चीज़ें थी, बस मैंने मेकअप नहीं किया हुआ था इसलिए मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सा भी प्राइमर यूज़ करो, ये ज़रूरी है ताकि आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएं। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कंसीलर फ्रॉम मेबलिन। हल्का सा यहाँ, हल्का सा यहाँ, और ये हो गया मेरा फाउंडेशन। थोड़ा सा यहाँ, एक यहाँ, और हल्का सा यहाँ, यहाँ, हल्का सा यहाँ। I'm gonna blend, 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 blend. Now, थोड़ा सा सेटिंग पाउडर, थोड़ा सा नहीं एक्चुअली ज़्यादा सा, कि ये होल्ड करके रखे। एम जस्ट गोइंग टू वाइप दैट लिपस्टिक जब तक कि मेरा मेकअप बेस बेस बना रहा है अपने चेहरे पे। तक कि मेरा बेस जो है अभी सेट हो रहा है, मैं लेके ये ब्राउन कलर अपने ब्राउज को इनहेंस कर लूंगी थोड़ा सा। और अब मैं यूज करने जा रही हूँ ये पैलेट, मैंने अमेजन से मंगवाया है। हालांकि मैंने इसको थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, बहुत पिगमेंटेड लग नहीं रहा है। ठीक है, पता है बेवकूफ़ बन गई हूँ। एंड ये ऐसे से आता है, कलर्स तो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, सी कितना पिगमेंटेड है ये। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये ब्लैक टफल जस्ट टू इंक्रीज माई क्रीज। ये मैंने ब्लैक टफल बेस तैयार कर लिया है। अब मैं यूज करूंगी ये वाला रेड या रेस्क्यू। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस नूड पैलेट और इसका मैं यूज करूंगी कलर एक्साइट, सॉरी एक्साइट। बहुत ही बुरा हाल है इसका, जितना भी मैं यहाँ लगा रही हूँ सारे गिर रहे हैं मेरे ऊपर। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लगाते हैं थोड़ा सा कंसीलर जस्ट कि ये हमारे फेस पे होल्ड रहे। और जैसे तैसे करके मैंने इसको यूज़ कर लिया, बट मैं इसे रिटर्न कर जा रही हूँ। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बेकार पैलेट है ये दोनों। अब बारी है कि एक्स्ट्रा पाउडर को हटा लिया जाए अपने फेस से। स्विस ब्यूटी का पैलेट से मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर जस्ट टू कॉन्टोर माई फेस। Now just add some blush. I'm using this highlighter palette from Nykaa around my mouth, थोड़ा सा नाक पे, थोड़ा सा ब्राउज बोन पे, थोड़ा सा चेक बोन पे। थोड़ा सा हाइलाइटर अपनी ब्यूटी बोन्स पे, इन केस के आपके ब्लाउज का गला थोड़ा सा बड़ा हो। टू कर्ल माय लैशेस जेल आईलाइनर। मैं यहाँ पे विंग्स नहीं ले रही हूँ क्योंकि आज मेरा मूड नहीं है। आईलैशेस को कर लिया है कर्ल, तो अब यूज करेंगे हम मस्कारा।
यूज लिपस्टिक जो भी आपकी फेवरेट हो, स्पेशली रेड, क्योंकि नई दुल्हनों को तो रेड 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 ही पहनना होता है। तो दोस्तों दिस इज द फाइनल लुक। मैंने ऐड किया है थोड़ी सी ग्रीन बिंदी, थोड़े से स्पार्कल चूड़ी, एक हाथ में वॉच। आप जैसे चाहे वैसे इयररिंग्स के साथ इसको स्टाइल कर सकते हैं, अपनी फेवरेट साड़ी पहन सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी इस लुक की सारी फोटोज इंस्टाग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे जाइए, फॉलो करिए, लाइक करिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, एंड हैव अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। थैंक यू।